एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम बनाते हैं लच्छा पराठा। लच्छा पराठा आपने मार्केट में देखा होगा कि बहुत ही लेयर्स होती हैं उसके अंदर। तो आज हम जो लच्छा पराठा बनाने वाले हैं वो हम होल व्हीट फ्लावर से बनाने वाले हैं, यानी गेहूं के आटे से, और इसमें बहुत ही अच्छे से लेयर्स होंगी। तो चलिए देखते हैं हमें लच्छा पराठा बनाने के लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और आने वाली वीडियो के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। लच्छा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम गार्लिक बटर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम धनिए को फाइनली चॉप कर लेते हैं। बटर को मैंने पहले से मेल्ट कर लिया है। कोरिएंडर को चॉप करने के बाद मैं बटर में ऐड कर दूंगी। इसी तरह हम गार्लिक को भी फाइनली चॉप कर लेंगे। मैं यहाँ पर 2 से 3 गार्लिक क्लोव ले रही हूँ। गार्लिक को चॉप करने के बाद हम इसको भी बटर में ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया था, इसलिए मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अगर आप सॉल्टेड बटर ले रहे हैं तो आपको सॉल्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है। डो बनाने के लिए मैं यहाँ पर व्हीट फ्लावर यूज कर रही हूँ, मैं और कोई फ्लावर यूज नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर मैं 2.5 कप व्हीट फ्लावर ले रही हूँ, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, इसमें मैं 2.5 टीस्पून घी ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड कर रही हूँ। इस डो को हमें बहुत ज्यादा सॉफ्ट या बहुत ज्यादा टाइट नहीं बनाना है, हमें मीडियम डो बनाना है। ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने रख देंगे। 10 से 15 मिनट बाद हम इसको फिर से अच्छे से गूथ लेंगे और थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। चलिए अब हम अपने पराठे को बनाना स्टार्ट करते हैं। जितना हम पराठा बनाने के लिए डो लेते हैं उतना मैं डो ले रही हूँ। इसकी हम एक चपाती बना लेंगे। हमें बहुत ज्यादा मोटी चपाती नहीं बनानी है, पतली चपाती बनानी है ताकि हमारे लच्छे अच्छे से बन सके। अब मैं इसके ऊपर गार्लिक बटर स्प्रेड कर रही हूँ अच्छे से सभी कॉर्नर्स में। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा आटा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दे रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको 2 मेथड बताने वाली हूँ लच्छा पराठा बनाने के लिए। पहले मेथड में हमें चपाती की प्लीट्स बनानी है। प्लीट्स बनाकर हम उसको अच्छे से प्रेस करते जाएंगे, और देखिए कुछ इस तरह से प्लीट्स बनानी है। पूरी चपाती की आप प्लीट्स बना लें। प्लीट्स बनाने के बाद उसको आप राउंड कर ले, इस तरह से फोल्ड कर ले, और कॉर्नर्स को भी आप उसमें टक कर दें, और थोड़ा सा फ्लावर फिर से स्प्रिंकल कर दें ताकि जब हम इसको बेलें तो ये चिपके नहीं। अब हम इसको बहुत हल्के हाथ से बेलना शुरू करेंगे। बेलते वक्त अगर आपको लगे कि आपका जो पराठा है वो थोड़ा सा स्टिक हो रहा है तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा करके फ्लावर को स्प्रिंकल कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपना पूरा पराठा बेलकर तैयार कर लें। इसको साइड में रख देंगे, और अब मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ जिससे आप लच्छा पराठा बना सकते हैं। इसी तरह आप दूसरे मेथड के लिए भी एक रोटी बेल लेंगे। उसके ऊपर आप गार्लिक बटर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे रेड चिली पाउडर, और फ्लावर को स्प्रिंकल करने के बाद हम किसी नाइफ या पिज्जा कटर की हेल्प से हम उसकी छोटी पतली पतली स्ट्राइप्स कट कर लेंगे। स्ट्राइप्स को कट करने के बाद हमें उन्हें इकट्ठा कर लेना है और एक बोल की शेप में बना देना है। ये देखिए हमारी स्ट्राइप्स की बॉल बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको भी बहुत हल्के हाथों से फ्लावर को स्प्रिंकल करते हुए इसके ऊपर इसको बेल लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमारा पराठा बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से आप अपने सारे पराठे बना लें जिस भी मेथड से आपको ज्यादा आसान लग रहा है। तवे को हीट कर लेते हैं। हमें तवे को मीडियम फ्लेम पर रखना है। अब हम अपने पराठे को तवे पर डाल देंगे और इसको सेकेंगे अच्छे से। जब आपको लगे कि आपका पराठा एक साइड से सिक गया है तो आप उसको टर्न कर दें, क्योंकि इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो आप इसको टर्न करने के लिए बहुत ज्यादा जल्दी ना करें, अदरवाइज आपकी जो लेयर्स हैं वो खुल जाएंगी और आपके पराठे की शेप खराब हो जाएगी। तो आप उसको जब एक साइड से पक जाए तभी टर्न करें। इसी तरह आप अपना दूसरा पराठा भी अच्छे से सेक लें। ये देखिए हमारा पराठा बनकर बिल्कुल तैयार है।
तो चलिए देखते हैं हमारे पराठे में कितनी अच्छे से लेयर्स आई हैं। आप भी बनाइए इस रेसिपी को और मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका पराठा कैसा बना।